हाय, वेलकम बैक टू फ्लुएंट इंग्लिश क्लासेस। इंग्लिश लैंग्वेज में थ्री वर्ड्स हैं, एक, पेन और हर्ट। आज की वीडियो में इन्हीं थ्री वर्ड्स में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक और पेन दोनों का मतलब होता है दर्द, लेकिन एक जो है इसका प्रोनाउंसिएशन इसी तरह है जैसे हम कहते हैं एक। एक जो है लेस स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग दर्द नहीं होता ये, और ये बॉडी के खास हिस्सों के लिए बोला जाता है, जैसे हेडेक सर दर्द, पीठ दर्द बैकएक, कान का दर्द ईयर एक, दांत का दर्द टूथएक। इस तरह एक जो है इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के खास हिस्सों के लिए बोला जाता है, जो एग्जांपल्स मैंने दी। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लेट्स यूज एक इन अ सेंटेंस, इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। After you exercise the next day, your muscles will probably ache. वर्जिश करने के बाद दूसरे दिन शायद तुम्हारे मसल्स दर्द दें। और पेन जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब कहीं कट जाता है या हम जख्मी हो जाते हैं उस वक्त हमें पेन होता है। अब देखते हैं हर्ट का यूज क्या है। हर्ट जो है वर्ब है, एक और पेन को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए हर्ट का यूज करते हैं। जैसे माई शोल्डर्स हर्ट, मतलब आई हैव अ पेन इन माई शोल्डर। माई नेक हर्ट्स, मेरी गर्दन दुख रही है। इस तरह एक और पेन को डिस्क्राइब करने के लिए हर्ट यूज करते हैं। माई नेक हर्ट्स, मेरी गर्दन दुख रही है। इट मीन्स आई हैव अ पेन इन माई नेक। हर्ट का एक मतलब ये भी होता है कि अपने आप को जख्मी कर लेना या किसी को जख्मी कर देना। उस छुरी से मत खेलो, तुम अपने आप को जख्मी कर लोगे। डोंट प्ले विद दैट नाइफ, यू विल हर्ट योर सेल्फ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।